बादलों का हवाओं का बदला गया है, वाल्मीकि परगट दिवस आ गया है। बहारों ने हर सू खुशी गुन गुनाई, बहारों ने हर सू खुशी गुन गुनाई। आंगनवाड़ियों के भ्रष्टाचार के विरोध में मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय मीटिंग में पहुंची खीरागढ़। उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, उजागर करके हमने जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई सत्यता पर जांच नहीं की गई। आज हमने जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है, उन्हें अवगत कराया बिस सी डी के साथ, पूर्व की कापी भी जिला कार्यक्रम अधिकारी वाली वो भी कापी हमने संलग्न की है। और हमारा यही उद्देश्य है कि सत्यता पर जांच हो करके ये परियोजनाओं पर चल रहा है भ्रष्टाचार, ये खत्म होना चाहिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? ये पुष्टार पंजीरी जो आती है इसमें 500 रुपये लिया जाता है, और जो लेखन के कराया गया है भारत सरकार द्वारा बच्चों के 306 वर्ष के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, उन पर भी 1200 रुपये आंगनबाड़ी के खाते में आए थे। वो मुख्य सेविका CDPO अधिकारियों के दबाव बनाते हुए आंगनवाड़ियों पर वो पैसा स्वयं निकलवा के अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं। परियोजना अधिकारी का क्या कहना है? परियोजना अधिकारी का कहना था कि हम जांच देखेंगे बताएंगे, ऐसा हमारी नज़र में नहीं है। कौन दोषी है, कौन भ्रष्टाचार फैला रहा है यहाँ पे? अधिकतर तो सभी अधिकारियों के माध्यम से ही हो रहा है, लेकिन खुलासा हुआ है जो जिला का वो CDPO परियोजना अधिकारी अतेंद्र कुमार जी और वहीं पर सुपरवाइजर उमा सक्सेना जी।